विद फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे। सो व्हाट इज सीटीसी? सीटीसी का फुल फॉर्म किसको पता है? ओके रुक जाओ, वरना ये नोटिफिकेशन आती रहेंगी, इसको हम लोग को बंद करना पड़ेगा। ये मैं भूल गया आज बंद करना, ये मैं भूल गया आज बंद करना। हाँ ओके, आई तो है ना। चल भाई प्ले हो जा, क्या हो रहा है? ओ हो गया हो गया। चल तो क्या है सीटीसी? सो व्हाट डू मीन बाय सीटीसी? व्हाट डू यू स्टूडेंट का मैसेज था वैसे तो। सीटीसी, व्हाट डू यू मीन बाय सीटीसी? इट इज कॉस्ट टू कंपनी, राइट? है ना, कि कॉस्ट टू कंपनी मतलब तुम कंपनी में कितने को पढ़ रहे हो, है ना, कितनी कंपनी तुम्हारे पीछे कितना खर्चा पे करेगी, समझे? है कि नहीं? कंपनी तुम्हारे पीछे कितना खर्चा लगा रही है, कॉस्ट टू कंपनी। तो नाउ फाइन, अब सीटीसी में से तुम, सीटीसी में से तुम चीजें निकाल दो तो आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स निकाल दो एंड प्रोफेशनल टैक्स निकाल दो तो आता है इन हैंड। अब ये सारी चीजें क्या हैं हम देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा, राइट? वी आर गोइंग इन डेप्थ, इन डेप्थ ऑफ टॉपिक। हाँ और कहीं पर चल। सो उसके पहले, सबसे पहले, टुमारो अन अकेडमी इज ब्रिंगिंग यू इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट एस्पिरेंट्स, ओके, एंड यू कैन ज्वाइन लाइव। फाइन, इट इज एट 12 PM। यू कैन गो टू द कॉम्बैट, स्कैन कर सकते हो एनरोल करने के लिए, एंड यू कैन यूज द कोड चक्कर लाइफ। ओके टू एनरोल, एनरोल जरूर करना, बिकॉज दीज आर द प्राइजेस। ओके फर्स्ट टू फर्स्ट थर्ड रैंकर्स विल बी गेटिंग 1 ईयर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। फाइन चलो लेट इस बिगिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीटीसी का मतलब क्या होता है कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय सीटीसी? सबसे पहले लाइक जरूर कर देना यार, लाइक कर दो वीडियो को, मजा आ जाएगा। क्या है क्या नहीं, कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग लाइक जरूर करेंगे। यस 10 लाइक तो चाहिए मुझे, एटलीस्ट 50 लाइक तो चाहिए ना यार, तभी तो मजा आएगा। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय सीटीसी? सीटीसी और कॉस्ट टू कंपनी इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय। हाँ वो तुमको दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है। ओके स्पेंट, देखो इट इज स्पेंट नॉट गिवन टू द एम्प्लॉयर, है ना, एम्प्लॉय को दिया गया पैसा नहीं, स्पेंट ऑन इट। फाइन सो इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स लाइक एचआरए। एचआरए मींस होम रेंट अलाउंस, है ना, कि तुम्हारे घर खर्च के लिए, मतलब होम रेंट, है ना, घर का रेंट भरने के लिए तुम कितना पैसा दे रही कंपनी। फिर इट इज मेडिकल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, मतलब मान लो कि तुमने कंपनी ने तुमको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, ओके, और उस 5 लाख के इंश्योरेंस में दैट इज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पर मंथ तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस जा रहा है, तो वो 1000 रुपये तुम्हारी सीटीसी में इंक्लूड हो गया। एंड अभी डिटेल में देखेंगे हम उसको, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा विच इज एडेड टू द बेसिक पे। फाइन बेसिक बेस पे को ऐड हो जाता है। द अलाउंसेस में इंक्लूड मील कूपन, कैब सर्विसेस, है ना, सब्सिडाइज लोन्स एंड एक्सेट्रा। तो ये होता है सीटीसी। ओके मतलब कि उसने बोल दिया हायर करते वक्त कि भाई तुम्हारा सीटीसी 12 लाख है, तो धोखे में मत रहना कि सर हमको मंथली 1 लाख रुपए पर मंथ हमको हाथ में आएगा। फाइन धोखे में मत रहना कि सर हमको 1 लाख रुपीज पर मंथ हाथ में आएगा। इधर कोई झूठ नहीं बोल रहा, देखो इसका मतलब ये नहीं कंपनी झूठी है, नहीं कंपनी झूठी नहीं है। कंपनी ने बोला कि सीटीसी 12 लाख रुपए है, कंपनी ने ये नहीं बोला कि इन हैंड सैलरी 12 लाख है। हाँ कंपनी ने ये नहीं बोला कि इन हैंड सैलरी 12 लाख है ना, ऐसा कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। सीटीसी 12 लाख, वो तुमको सीटीसी 12 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा मना नहीं कर रहे 12 लाख रुपए देने से, ठीक है। चल तो आते हैं ग्रॉस सैलरी पे। फाइन आते हैं ग्रॉस सैलरी पे। ओके सो ग्रॉस सैलरी इज अमाउंट आफ्टर ईपीएफ एंड ग्रेजुएटी। हाँ ग्रेजुएटी आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सीटीसी। ओके आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सीटीसी, तो क्या हो गया, माई सीटीसी में से तुम ईपीएफ निकाल दो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसको, एंड ग्रेचुएटी निकाल दो। ग्रेचुएटी एंड ईपीएफ क्या है हम लोग दोनों अभी देखेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी। ओके और अब ये जो ग्रॉस आ गया, उस ग्रॉस में से तुम इनकम टैक्स, फाइन, एंड प्रोफेशनल टैक्स निकाल दो, तो वो आ गया तुम्हारा इन हैंड, मतलब कि उतना पैसा तुमको मिलेगा हर महीने, समझे? ये होता है। हाँ समझे? ओके डन, वेरी गुड। ओके दिस इज कॉल्ड एज इन हैंड। ओके अब आते हैं
नेट सैलरी और इन एंड सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होती है, हमने देखा कि ग्रॉस सैलरी में से तुम इनकम टैक्स निकाल दो एंड प्रोफेशनल टैक्स निकाल दो। नाउ टैक्स किस पे डिपेंड करता है, कि तुमने कितना इनकम है, तुम्हारे कितने इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह पे तुम्हारा टैक्स डिपेंड करता है। ओके मनस्वी आपको ऐड करा के मानेगी। हाँ चल चलो तब आते हैं सीटीसी डायरेक्ट। आप देखो सीटीसी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कंपनी तुमको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट, एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट, एक होता है सेविंग्स कंट्रीब्यूशन। तो इन सबको मिला के तुम्हारी सीटीसी बनती है ना। ये सारी चीजें तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए। सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी। ओके बेसिक सैलरी मतलब क्या, डायरेक्ट बेनिफिट्स इतना तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ओके डायरेक्ट बेनिफिट्स मतलब क्या, तुम्हारे सैलरी स्लैब में देख लेना कि डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या है, इतना पैसा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बताऊंगा बताऊंगा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है ना। बेस पे है, फाइन बेस पे हो गया तुम्हारा, डियरेंस अलाउंसेस हो गया, कन्वीनियंस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है ना, LTA व्हीकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, इंसेंटिव बोनस, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें तुमको हर महीने मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कोई रिडक्शन नहीं, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट भी थोड़ा हमारा एग्जाम आके दे दे बात तो सही है सुधांशु, हो भी सकता है ऐसा, बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल लेके। अब देखो दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की मतलब, किसी कंपनी ने बोल दिया कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तो तुमको जो भी लोन चाहिए वो इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, ठीक है। फूड कूपन मिलेंगे है ना, जोमेटो के कूपन दिया वगैरह वगैरह, कंपनी लीज अकोमोडेशन है ना, कंपनी तुमको अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड कर रही है ना, कंपनी तुमको अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड कर रही है। मान लो कि तुम्हारी 40,000 रुपये सैलरी है। अब उसमें से उसने बोल दिया कि इट इज 35,000 प्लस अकोमोडेशन, 35,000 प्लस अकोमोडेशन, तो कंपनी तुमको 35,000 रुपये देगी, बाकी के 5,000 नहीं देगी, वो तुम्हारे अकोमोडेशन के पीछे स्पेंड करेगी। अब उसमें अकोमोडेशन पे तुम्हारी कंपनी 5,000 स्पेंड करे, 10,000 स्पेंड करे, दैट्स ऑन कंपनी। ओके वो तुमको 35,000 के फ्लैट में रखे, 40,000 के फ्लैट में रखे, कि 5,000 के फ्लैट में रखे, कि 2,000 के फ्लैट में रखे। आई विल लर्न दिस। ओके सो मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर है ना। फाइन कोई कंपनी होती है कि भाई हम उसने तुमको मेडिकल मेडिकल दिया 5 लाख का, वो बोलेगी 1,000 रुपये तुम्हारी हर महीने सैलरी से कटेंगे। अब कोई होता है जैसे एम्प्लॉयर को देता है राइट, जैसे कि अनअकैडमी है फाइन, तो अनअकैडमी पेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अनअकैडमी के एम्प्लॉयर्स को नहीं पे, एम्प्लॉयर को नहीं पे करना पड़ता, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता राइट है ना। फाइन फिर होता है इनकम टैक्स सेविंग्स है ना, ऑफिस स्पेस रेंट, तब देखो ऑफिस का खर्चा भी तुमने से कटेगा। फाइन दूसरा होता है सेविंग्स कंट्रीब्यूशन। अब ये सेविंग्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कि इट डिपेंड्स है ना, जैसे कि ग्रेचुएटी है, तो ग्रेचुएटी का मान लो कि हर हर महीने कंपनी तुमको 2,000 रुपये काट रही है ग्रेचुएटी का, तो दैट इज 24,000 रुपीज पर एनम। अब ये क्या होता है पता है, 24,000 रुपीज पर एनम, अगर तुम कंपनी में 5 ईयर्स काम करते हो ना, 5 साल, तभी तुमको ग्रेचुएटी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ओके ग्रेचुएटी कैसा होता है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, तो ये तो मिलता है ठीक है, अभी नहीं मिलता बाद में मिलता ठीक है। फाइन दूसरे होते हैं बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज, अब आते हैं देखो एग्जाम्पल पे। सर आप पकाओ मत, हमको थियरी मत पढ़ाओ, हमको कुछ अच्छा बताओ है कि नहीं। चलो तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लिया कि कोई एक मिस्टर ए है, उसकी सैलरी कितनी है, 4 लाख रुपए। पर 4 लाख रुपए सैलरी, सीटीसी 4 लाख रुपए पर एनम या पर एनम की बात कर रहा हूं मैं कुछ मत होना, 4 लाख रुपए पर महीने का नहीं मिल रहा तुमको पर एनम की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब देखो उसमें क्या हो गया, बेसिक सैलरी कितनी होगी, 2,20,000। तब तुम बोलोगे कि सर 4 लाख रुपए पर एनम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब कि मंथली कितना हो गया बताओ, दैट इज 33,300 समथिंग है ना, पर मंथ इतना हो गया कि नहीं हो गया, नहीं इतना नहीं मिलेगा है, इतना थोड़ी देगी कंपनी तुमको नहीं। तो देखो बेसिक सैलरी कितनी होगी, 2,20,000, ये मिलना ही मिलना है। HRA 88 मिलना ही मिलना है। हाँ CA मतलब कन्वीनियंस अलाउंस है ना, CA मतलब कन्वीनियंस अलाउंस, ये मिलना ही मिलना है ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस इतना है, EPF इतना है, ग्रेचुटी इतना है, स्पेशल अलाउंस इतना है। सर अब मिल जाएगा कितना ये बताओ ना, तो मिलेगा ऐसा देखो, सबसे पहले तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एन एम्प्लॉयर रिसीव्स ग्रेचुएटी आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स और मोर फॉर द फुल सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, मतलब क्या सागर सर, इनकम 4 लाख रुपए पर डे, मतलब क्या कि जो 18,000 रुपए तुम्हारे कंपनी ने काटे हैं, 18,000 रुपए कंपनी ने काटे हैं, तो
तो 18,000 वो 5 साल के लिए काट रही है, तो इट इज समथिंग कितना हो गया, 90,000 रुपए के आसपास है कि नहीं, 90,000 रुपए के आसपास। तो ये 90,000 तुमको कब मिलेगा, 90,000 व्हेन आर यू गोइंग टू गेट, व्हेन यू कंप्लीट 5 ईयर्स इन द कंपनी, अदरवाइज पैसा गया। ओ माय गॉड सर, गया गया भाई। ठीक है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड अबाउ, लेट्स टेक ए सैलरी है ना, ग्रेचुएटी एंड एम्प्लॉय, तो 4 लाख रुपए एक ही सैलरी थी, उसमें से ग्रेचुएटी कितना था बताओ, 4 लाख रुपए एक ही सैलरी थी, उसमें से ईपीएफ कितना, 21,600, ग्रेचुएटी कितना, 18,326, उतना काट दिया। तो मतलब अब सैलरी इतनी हो गई, मतलब अब सैलरी इतनी हो गई, तो मतलब क्या कि सर इसको डिवाइड बाय 12 कर दो तो ये इन हैंड है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो इन हैंड है ना, मतलब कि सर कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज इन हैंड मिलेगा। नाइन 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 30,000, देखो सैलरी कितनी थी, सीटीसी कितना था, सीटीसी कितना था 4 लाख रुपए, तो उसके अकॉर्डिंग इन हैंड कितना था, 33.33 इन है, 33.33 नहीं, ये तो इन हैंड है नहीं सर, 30,000 इन हैंड है, नहीं ये भी इन हैंड नहीं है, नहीं ये भी इन हैंड नहीं है, खुश मत हो ना, 3,000 रुपये तो ऑलरेडी कम हो गए, 3,000 रुपये ऑलरेडी कम होगा महीने के। अब आते हैं देखो, अब ये जो आई वो तुम्हारी क्या है, दिस इज योर ग्रॉस सैलरी, ओके ये ग्रॉस है। अब आते हैं कि नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या, ये जो आई ये तुम्हारी आई 3,60,000 रुपये समथिंग, राइट 3,60,000 रुपये समथिंग, उसमें से इनकम टैक्स निकलेगा, उसमें से पब्लिक प्रोविडेंट फंड मिलेगा। अभी देखो, अभी जो हमने निकाला था वो क्या था, दिस वॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अभी तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और प्रोफेशनल टैक्स भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो, सो व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आर स्टिपुलेटेड परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, टिपिकली नॉट लेस देन 12% एंड ग्रेचुएटी समथिंग 4.81% है ना। तो अगर तुम देखोगे, तुम 4 लाख का 4.81% निकालोगे तो ये इतना आएगा, अभी क्लियर ऑन दिस, 4.81% निकालोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखो, अब स्लैब कितने का होता है कि भाई 2.5 लाख से अगर 5 लाख की आप रेंज में हो तो 10% आपको टैक्स भरना है ना, तो 10% आपको टैक्स भरना है। देखो इनकम स्टैंड्स, कितनी इनकम है हमने पीछे पीछे दिखाला है ना, ईपीएफ निकाल दो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा ईपीएफ निकाल दो एंड ये निकाल दो, हाय सोहिनी वो तुम्हारी हो गई टैक्सेबल इनकम। अब इसका तुमको 10% टैक्स भरना है, दैट इज 36,000, हाँ 7.4, इतना टैक्स चला गया, मतलब कंपनी इसका हर महीने तुम्हारा 10% काट के तुम्हारे अकाउंट में डालेगी, उसको बोलेंगे वो लोग TDS, क्या बोलेंगे TDS, उतना काट के तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो मिस्टर एस इनकम आफ्टर टैक्स एंड अदर डिडक्शन इज 3,24,000, इतना पैसा हमको मिलेगा। हाय बिप्लव बर्मन, यस आर बर्मन, हाउ आर यू डूइंग। सो इसको अगर तुम डिवाइड बाय 12 करोगे, दैट इज योर इन हैंड सैलरी, दैट इज समथिंग 27,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो सीटीसी कितना, 33,300 रुपीज समथिंग, हाँ इन हैंड कितना, इन हैंड कितना 27,000 रुपीज समथिंग, है कि नहीं। मैं अभी पीछे थोड़ी क्या लगेगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पीछे भी क्या लगा रहा हूँ, पीछे थोड़ी क्या लगेगा, ओके तो डिफरेंस कितना आया बताओ, डिफरेंस कितना आया बताओ, यहाँ पे डिफरेंस इज ऑफ समथिंग 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये में तुम्हारा टैक्स कट गया, ईपीएफ कट गया, पीपीएफ कट गया, प्रोफेशनल टैक्स कट गया, वगैरह 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 कट गया। सर कोई बात नहीं, 6,000 रुपये तो है महीने के, है ना, महीने के 6,000 रुपये तो है, तो कोई टेंशन थोड़ा ही है। हाँ बट भाई मेरे, ये तो 6,000 रुपये कब है, जब 4 लाख रुपये सैलरी है कि नहीं, जब सैलरी सीटीसी कितनी है 4 लाख, अब इसके पीछे एक जीरो लगा दे तो है कि नहीं, इसके पीछे जीरो लगा दे, सर हम आईएएम जाएंगे, आप बोल रहे हो ड्रीम आईएएम, तो आईएएम जाने के बाद इतनी कम सैलरी थोड़ी उठाएंगे हम, है कि नहीं। एवरेज सीटीसी होता है आईएएम का सर 25 लाख रुपए, तो 25 लाख वाला एक एग्जाम्पल लेंगे, है कि नहीं सर, 25, 27, 28 कुछ 30 लाख वाला एग्जाम्पल लो, तड़ फड़कता तो लेते हैं एग्जाम्पल। चलो हमने मान लिया कि सीटीसी कितना है भाई साहब, हमने मान लिया कि सीटीसी कितना है 28 लाख रुपए। अब जरा 28 लाख रुपए के हिसाब से तुम्हारा सी टी सी पर मंथ कितना हो गया, जरा बताओ, अगर 28 लाख रुपए हमारा सी टी सी है तो 28 डिवाइड अगर हम लोग 12 करते हैं तो सी टी सी कितना हो गया हमारा, 2,33,000 रुपए, है कि नहीं, है ना, 2,33,000। हाय सूरज,
ओके, तो व्हाट इज आवर सीटीसी? इट इज 2.33 लाख पर मंथ। सर इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा ना? ना ना मुंडा ना, ना मुंडा ना, इतना नहीं मिलेगा। अब देखो तो बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है 40% ऑफ सीटीसी, मतलब कि इसका 40% बेसिक कितना मिलेगा ही मिलेगा। एचआर कितना होता है? होम रेंट अलाउंस 40% ऑफ बेसिक है ना, इसका 40%। ठीक है, पीएफ कितना होता है? प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ बेसिक, तो ये 12%। तो मतलब क्या, देखो मतलब क्या, अब दिखाता हूं मैं तुमको। देखो अब सुनना मेरी बात को, देखो ओए ऐसे थोड़ी तुम चेंज हो जाओगे, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो बेसिक कितना है तुम्हारा? दिस इज योर बेसिक है कि नहीं? समथिंग समथिंग कितना है ये? ओके ये हो गया तुम्हारा बेसिक, क्लियर? 40% 11 लाख रुपए समथिंग, क्लियर? यस यस, यू कैन क्रैक इट, यू कैन क्रैक इट, एनीवन कैन क्रैक इट, क्लियर? अब देखो तो नेट इनकम कितना हो गया तुम्हारा? सीटीसी माइनस पीएफ माइनस ग्रेच्युटी। तो ये तुम्हारा सीटीसी, ये तुम्हारा पीएफ और ये तुम्हारा ग्रेच्युटी, ठीक है? तो इतना हो गया तुम्हारा नेट इनकम, ग्रेच्युटी इतना, ठीक है? ये तुम्हारा पीएफ है ना, ये तुम्हारा पीएफ और ये तुम्हारा ग्रेच्युटी, मतलब कि इतना हो गया तुम्हारा नेट बोल लो या तो क्रॉस बोल लो। तो मतलब क्या कि तुम्हारा सीटीसी कितना है? सीटीसी कितना है? 2.33 लाख पर मंथ। और ग्रॉस कितना है मुझे बताओ? व्हाट इज माय ग्रॉस? इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 21 लाख को इफ वी डिवाइड बाय 12, इफ वी डिवाइड 21 लाख बाय 12, सो समथिंग कितना आ रहा बताओ? अप्रोक्सीमेशन लगाए हम लोग 21,76,45 डिवाइड बाय, अगर 12 लगाते हैं, इट इज 1,81,000 समथिंग। ओके, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है ये? 1.81 लाख पर मंथ। सर 2.33 में से 1.81 कितने डिफरेंस आ गया बताओ? कितना डिफरेंस आ गया? 50,000 रुपए। सर मेरे 50,000 रुपए कहाँ गए? हाय यस, हाय शुभंकर, सर मेरे 50,000 रुपए कहाँ गए? ओके कहाँ गए? खड्डे में गए, ठीक है? ओके खड्डे में गए, फाइन डन। अब दूसरी बात, अब आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स पे, अब आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स पे। तो देखो इनकम टैक्स क्या होता है, फाइन, थैंक यू सो मच बर्मन, थैंक यू सो मच। अब डिडक्शंस देखते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का होगा ही होगा, ठीक है? 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा ही होगा, ओके? दूसरा एटीसी, एटीसी के अकॉर्डिंग इट इज 1.5 लाख रुपीज पर एनम। अब ये सर कैसे कैलकुलेशन लगाया, कैसे कैलकुलेशन लगाया, कभी डीप में बताऊंगा कि कितना कटता है, राइट? किस हिसाब से कितना पैसा कटता है, क्लियर? दूसरा होता है होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए। तो मतलब कि नेट इनकम जो तुम्हारी थी, ठीक है, नेट इनकम जो अप्रोक्सीमेटली थी, उसमें से उसने 4 लाख रुपए, 2.5, 2 लाख्स, 1.5 एंड 50,000 उसने काट लिए। तो इट इज 22 लाख समथिंग, 11,000 सर। इतना टैक्सेबल है, इतना टैक्सेबल है सर। इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा इन हैंड है, इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे इन हैंड है, नहीं है, राइट? नहीं है, क्लियर? ये इन हैंड नहीं है अभी भी। इतना टैक्सेबल इनकम है, तो इस इनकम के ऊपर तुमको टैक्स देना है। अब कितना टैक्स देना है देखो बता रहा हूं, कितना टैक्स देना है? इसका नो इंटरेस्ट है ना, फाइन, इसका 5%, इसका 10-20%, इसका ये हो गया। तो मतलब कि तुमको टोटल इतना टैक्स देना है, सेस देना है तुमको 3%, दैट इज इतना। तो टोटल टैक्स हो गया तुम्हारा, मतलब कितना हो गया देखो, मतलब कितना हो गया, 4.9 लाख रुपीज तुमने टैक्स दे दिया। That is कि 40,000 रुपए तुम महीने का टैक्स दे रहे हो, यस 40,000 रुपए तुम महीने का टैक्स दे रहे हो, सिम, ठीक है? तब कितना हो गया देखो, इन हैंड 2,17,645, कौन सा था वो, है ना, यहाँ पे था ये समथिंग, फाइन, दिस इज समथिंग है नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है? इतना था 2,17,645, दिस वॉज ग्रॉस, ये ग्रॉस था, ठीक है? तो ये तुम्हारी ग्रॉस, हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या देखा था, इन हैंड का, इनहैंड का फॉर्मूला क्या देखा था, ग्रॉस माइनस ऑल टैक्सेस, ठीक है, फाइन। तो ये ग्रॉस माइनस ये हो गया तुम्हारा इनकम टैक्स, ये हो गया तुम्हारा पीएफ और ये हो गया तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स, मतलब कि इतनी सैलरी आई 1,65,400। तो सीटीसी कितना था, सीटीसी कितना था बताओ?
वॉट वॉज योर सी टी सी? इट वॉज 2,33,000 समथिंग, और इन हैंड कितना है? इन हैंड कितना है? 1 लैक्स, है ना, 1,65,000 समथिंग। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है समथिंग बताओ, कितना डिफरेंस है? 35 एंड 33 समथिंग, 70,000 रुपीज का डिफरेंस है सर। 2.33 लाख आएंगे। वाह भाई, कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, उसने बोला कि सीटीसी है, सीटीसी सर 28 लाख रुपए तुमको सीटीसी देंगे। अब बंदे ने कैलकुलेशन कर लिया, 28 लाख मतलब क्या कि भाई हमको हर महीने का 2,33,000 मिलेगा। तो 2,33,000 में से मैं क्या करता हूँ बताओ? 2,33,000 में से मैं एक कार ले लेता हूँ, ठीक है? तो कार की मेरी ईएमआई आएगी 35,000 रुपए की, ठीक है? ईएमआई आएगी 35,000 रुपए की। मैं ना एक घर भी ले लेता हूँ, ठीक है? तो घर की ईएमआई आएगी 35,000 रुपए की, ठीक है? फाइन। फिर मैं एक आईफोन भी ले लेता हूँ, फिर मैं एक आईफोन भी ले लेता हूँ। तो आईफोन की ईएमआई आएगी 10,000 रुपए की, मान लो, है ना, 10,000 रुपए की। चलो 20,000 रुपए की ईएमआई मान लेते हैं, बड़ा वाला आईफोन लिया हमने, ठीक है? फाइन। और दूसरा अलाउवेंस है ना, एक हो गया अदर अलाउवेंस, मतलब कि घर खर्च, है ना, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर दिया, मूवी पे खर्चा कर दिया, इस पे खर्चा कर दिया, उस पे खर्चा कर दिया। भाई 2,50,000 रुपये कमा रहा है बंदा, तो 30-40,000 रुपये तो खर्चा करेगा ना महीने का, है कि नहीं? 30-40,000 रुपये तो खर्चा करेगा ना महीने का, करेगा ही करेगा, ठीक है? 30-40,000 तो खर्चा करेगा ही करेगा, बताओ। तो ये खर्चा कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया टोटल बताओ, चला कैलकुलेशन मारो कितना हो गया? 35, 70, 70 और 20, 90, 90 और 40, 1,30,000 रुपए। तो क्या सोचेगा भाई कि चलो 2,33 आ रहे हैं, 1,30 बढ़ा दिए, तो सेविंग्स कितनी हो गई मेरी, मेरी महीने की सेविंग्स हो गई 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए महीने की सेविंग्स हो गई यार, बहुत पैसा है। मम्मी को 1,00,000 रुपए हर महीना दूंगा, इतना उड़ाने के बाद भी मम्मी खुश, सब खुश, घर वाले खुश। कहां से भाई, कहां से 1,00,000 रुपए कैसे बचेंगे बताओ, कैसे बचेंगे? क्या है, 1 पैसठ ही रहे हैं, 1,65,000 ही आए। कितने उड़ा दिए, कितने उड़ा दिए? 1,30 उड़ा दिए, 1,30 उड़ा दिए। सेविंग्स कितनी हुई? 35,000 रुपए सेविंग्स हुई भाई साहब। उसमें भी गर्लफ्रेंड को एक दो चार बार शॉपिंग लेके जाओ, हाँ, दो चार बार शॉपिंग लेके जाओ, ठीक है? वाइफ को शॉपिंग लेके जाओ, हाँ, बच्चा बच्चा हुआ तो उसका भी काम खत्म खत्म। 35,000 रुपए सेविंग्स कितने हो गए सर? 0, पैसा कहाँ गया मेरा? फिर कंपनी को गालियां देंगे, हाँ, फिर कंपनी को गालियां देंगे सर, कंपनी मेरा पैसा खा गई। कंपनी कोई पैसा नहीं खा गई तुम्हारा, कंपनी ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, ठीक है? कंपनी ने तुमको बोला था इंटरव्यू के टाइम पे कि 28 लाख रुपए हम देंगे, वो 28 लाख रुपए दे रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला था कि हम तुमको 2,33,000 रुपए पर मंथ देंगे। हाँ भाई, गर्लफ्रेंड पे तो बहुत खर्चा होता है, क्या करें? हम पाला है तो, मतलब कि समझ रहे हो, मतलब कि क्या करें हम? तो लाइक मार दो इस बात पर, चलो इसी बात पर लाइक मार दो। 25 लोग देख रहे हैं, 14 ही लाइक है वीडियो के ऊपर। लाइक चाहिए मेरे को, ऐसी बात कैसे पता है? इतना इसके लिए रिसर्च कितना करना पड़ता है? इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम फॉर मी टू मेक दिस काइंड ऑफ पीपीटी। पापा से ले लेंगे पापा से ले लोगे तो फिर तुमने क्या कमाया? ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी पर थोड़ी पापा से लेंगे, ठीक है? तो बताओ कैसा लगा वीडियो? तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीटीसी वर्सेस, देखो बोनस एंड कमीशन का क्या केस है कि मान लो कि उन्होंने तुमको बोला है कि यू आर गोइंग टू गेट अ बोनस, फाइन। सो दैट आर कॉल्ड एज इंसेंटिव्स। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। फॉर एग्जाम्पल दैट आर कॉल्ड एज इंसेंटिव्स, ठीक है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने तुमको यहाँ पे बोला, जस्ट अ सेकेंड, ना समझा रहा हूँ, ये चला जाओ भाई। अब मान लो, अब सुन लो मेरी बात, है ना, बोनस की बात करते हैं, बोनस की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी यहाँ पे, तुम्हारी यहाँ पे कितनी थी, कितनी थी ये नेट इनकम, कितनी थी बताओ? 2 लाख, है ना, 21,17,000, है ना? ग्रेट एफर्ट सर, थैंक यू सो मच। तो लाइक कर दो यार वीडियो को, जरूर लाइक जरूर करना, तो मजा आएगा, है ना? और वीडियोस आ रही हैं तुम्हारे लिए, और अपकमिंग वीडियोस हैं, है ना, 10 मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। फाइन, मिथ वर्सेस फैक्ट, कि जो मिथ लगते हैं लोगों को कि भाई एमबीए करने के बाद मुझे यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मिथ बस्टर। तो फैक्ट दिखाऊंगा, रियलिटी चेक करवाऊंगा कल सुबह 10:30 बजे, है ना? कैन यू प्लीज टेल अबाउट द सीटीसी वंस अगेन इन शॉर्ट डियर मोबिया, यू कैन यू प्लीज गो विद माई फुल रिकॉर्ड, फुल वीडियो, हाँ सब बताऊंगा, सब एक टैक्स रिडक्शन पे पूरा वीडियो बताऊंगा, ठीक
क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें सारे टैक्स बेनिफिट बता दूंगा, बट अगर टैक्स बेनिफिट बताता मैं सारे, कि जो तुम लोग ये टैक्स भर रहे हो, दैट इज यू आर पेइंग 40,000 रुपीज पर मंथ, हाउ टू सेव दिस टैक्स, है ना, हाउ टू सेव दिस टैक्स। अब 40,000 रुपये थोड़ी देंगे, मैं नहीं देता हूँ, हाँ 40,000 रुपये थोड़ी देंगे किसी को टैक्स, फाइन 40,000 रुपये नहीं देंगे, तो हम लोग ये कैसे सेव करते हैं, हाउ टू सेव दिस, है ना, कि म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, पीपीएफ में डाल दो, है ना, उसमें डाल दो कि रिकरिंग रिकरिंग क्या आरडी में डाल दो, है ना, एक होता है टैक्स सेविंग एफडी, तो उसमें भी डाल सकते हो। तो इन सब के बारे में बताऊंगा एक वीडियो के अंदर कि भाई सैलरी कैसे बचाई जाती है, ठीक है, सैलरी कैसे बचाई जाती है। वेरिएबल सैलरी मीन्स कि अदर तुमको बोनसेस, इट डिपेंड्स, है ना, इट डिपेंड्स। अब जैसे कि एक होता है कि कंपनी ने तुमको बोल दिया कि योर सीटीसी इज 28 लाख, हाँ 28 लाख प्लस प्लस उसने मान लो कि बोल दिया कि 10 लाख। नाउ दिस इज वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, तो ऐसा भी हो सकता है ना, 10 लाख रुपए वेरिएबल, यस मोबिया यू कैन जस्ट हैव अ लुक, वेरिएबल। सो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि ये 10 लाख है, सो 10 लाख में से मान लो कि यू आर देयर इन द सेल्स टीम, है ना, मान लो कि यू आर देयर इन द सेल्स टीम, कि भाई इसमें से अगर तुमने 25 लाख का सेल्स टारगेट, 25 लाख का सेल्स टारगेट पूरा किया, सो यू विल बी गेटिंग समथिंग 3 लाख रुपीज, ठीक है। इफ यू मेक द टारगेट कंप्लीट ऑफ 50 लाख रुपीज, है ना, देन यू विल गेट 4 लाख रुपीज, है ना, या मान लो कि 5 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। फिर 10 लाख रुपए वेरिएबल, कि मतलब कि दिवाली बोनस हो गया, है ना, दिवाली बोनस हो गया, या टारगेट बोनस हो गया, कि भाई एक वन ईयर का टारगेट, वन ईयर का टारगेट कंप्लीट किया, सो यू विल बी गेटिंग 7 लाख रुपीज, है ना, प्लस 1 लाख बोनस, तो ये हो गए। इसको सारी चीजों को बोलते हैं वेरिएबल सैलरी। या तो फिर क्या किसी किसी कंपनी में होता है कि तुम इतने का सेल्स करो एंड यू विल गेटिंग समथिंग परसेंटेज ऑफ दैट सेल्स, तो उसको सारे बोलते हैं दीस आर ऑल कॉल्ड एज वेरिएबल्स, ओके फाइन, दीस आर ऑल कॉल्ड एज वेरिएबल्स। 10 लाख पर एनम का इन हैंड कितना आएगा, देखो 10 लाख पर एनम का इन हैंड कितना आएगा, सो इट इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली, देखो 80,000, है ना, 83,000 समथिंग हुआ सीटीसी, है ना, सौम्यदीप, है ना, ठीक है, तो 83,000, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग 68,000 के आसपास, है ना, 68, 68, 70,000 के आसपास तुम इन हैंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस क्लियर, इफ योर सीटीसी इज 10 लाख, फाइन 10 लाख रुपए तुम्हारा सीटीसी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग 68 से लेके 70,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इन हैंड, राइट, है ना, ठीक है, दैट इज योर इन हैंड, 68, 65, 65 तक वेरिएबल कर सकता है, 60 इतना नीचे नहीं जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। जितनी सैलरी कम उतना तुम्हारा डिडक्शंस कम होता जाएगा, जितना यू वो हाई, द मोर यू पे टैक्सेस, द मोर यू पे अलाउंसेस, दैट इंक्रीजेस द डिफरेंस, इंक्रीजेस मोर। यस 0.7 ऑफ सीटीसी, यस यू कैन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट, यू कैन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कि भाई जितना तुम्हारा सीटीसी है उसको तुम उसका तुमको 70% मिलेगा, है ना, उसका तुमको अप्रोक्सीमेटली 70% मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तुम मान सकते हो, जैसे कि 2.33 का था, तो 2.33 का हम लोग 70% निकालते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन गेट इट। हाँ, टैक्स सब पे लगेगा, टैक्स सब पे लगेगा, मान लो, मान लो कि तुम्हारे अकाउंट में, अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे था कि योर टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 22 लाख रुपीज और टैक्सेबल इनकम, अब तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपीज बोनस जमा हुआ, 8 लाख रुपीज वेरिएबल बोनस हैज बीन एडेड वेरिएबल, तो अब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 30,11,730, अब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम इतनी हो गई। तो मतलब क्या कि देखो 5 लाख से 10 लाख में तुमको लग रहा था 20 लाख रुपए का टैक्स, अब देखो समझाता हूँ, अब समझाता हूँ, देखना ध्यान देना, तो ये कितनी हो गई 2.5, फिर ये 5 और ये 5, तो अब एक और स्लैब लागू पड़ जाएगा, दैट इज 10 लाख से अगर 10 लाख से लेके 30 लाख तक है, तो दैट इज समथिंग 30% ऑफ टैक्स, 30% ऑफ टैक्स, मतलब कि तुम मान लो कि कितना हो गया ये 10 और 5 15, 15 और 2 17.5, तो 17.5 में से 12 निकाल दो, 12 36, तो मतलब कि तुम लोग को मान लो कि एडिशनली तुमको समथिंग समथिंग 30,000, है ना, कुछ 50,000 के आसपास और टैक्स भरना पड़ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज तुम्हारा टैक्स और इंक्रीज हो जाएगा,
अगर टैक्स और इनकम हो गया तो टोटल टैक्स तुमने कितना दिया, 5.4 लाख रुपीस। हाँ तो मतलब कि मान लो 50,000, मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा महीने का 5,000 या 6,000 रुपये टैक्स और बढ़ गया, तो यू आर पेइंग समथिंग 45,000 रुपीज टैक्स। तो मतलब तुम मान लो कि अप्रोक्सीमेटली अगर तुम्हारी 8 लाख रुपये इनकम हुई है, हाँ, तो 10% तुम मान के चलो कि उसका टैक्स तुमको देना पड़ेगा, मतलब कि 80,000 रुपये के आसपास, 10%, 8% समथिंग, 7% आसपास अप्रोक्सीमेटली, राइट। 15 लाख पैकेज इन हैंड 95,000, उतना ही आएगा यार, उतना ही आएगा। 15 लाख पैकेज मतलब कितना हो गया, 1,25,000 रुपीज पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। 1,25,000 में से तुम वो 1,25,000 में देखो तो 1,25,000 है, तो उसमें से मिनिमम 10% तो टीडीएस ही कटेगा। हाँ तो मतलब 12,500 तो वही चले गए। हाँ फिर पीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, है ना, ग्रेच्युटी हो गया, ये सब दिखाया मैंने, सब बताया इस वीडियो के अंदर, सब बताया। तो उसका उतना कट जाएगा, 25-30 हज़ार रुपये तो कट जाएगा आराम से। अब ऐसा नहीं कि वो पैसा गायब हो गया, पैसा मिलेगा, तुम पैसा मिलेगा, बट लेना आना चाहिए कि कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। सो फॉर दैट यू कैन कंसल्ट वन सीए, है ना, इतना दिमाग मत लगाने का, एक सीए को हायर करने का। वो साल के कुछ 4-5 हज़ार रुपये लेगा, 4-5 हज़ार रुपये लेगा, तुम्हारे बुक्स मेंटेन करेगा, तुम्हारा आईटीआर भरेगा, तुम्हारा इनकम टैक्स बचाएगा। वो तुमको बोलेगा कि भाई इधर इतना पैसा डाल दो तो इतना तुम्हारा टैक्स बचेगा, इधर इतना पैसा डाल दो तो इतना टैक्स बचेगा, समझे, ओके, इधर डाल दो तो इतना हम बचा सकते हैं। तो दैट यू कैन कंसल्ट वन सीए, 4-5 हज़ार रुपये लेगा साल के, है ना, या तो महीने के भी लेगा 1,000-2,000 रुपये, तो 8-10-12 हज़ार रुपये उसको दे के भी अगर हमारा टैक्स बच रहा है 30-40 हज़ार रुपये तो हम बचा लें, ओके, फाइन। अच्छा उदित सैनी, उदित सैनी सर क्या कर रहे थे यहाँ पे, सर आप बताओ, फाइन। सो वी हैव वन मोर वीडियो अपकमिंग, फाइन, वी हैव वन मोर वीडियो अपकमिंग एट 10:30 PM टू नाइट। तो 10:30 AM पे टुमारो, दैट इज 27th ऑफ जून, 27th ऑफ जून को हमारा, हाँ चलो फाइन। 27th ऑफ जून को हमारा क्या है कल, तो टुमारो एट वी आर हैविंग टॉप 10 मिथ वर्सेस फैक्ट्स, ये सुनो, यस अंडरस्टैंडिंग ATG। सो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ATC होता है, ATG होता है, फाइन। अब तुमको कौन से कैटेगरी के अंदर तुमको सैलरी मिल रही है, 194, 194J, 192A, फाइन, इट डिपेंड्स कि ऑन विच कैटेगरी यू आर गेटिंग द सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको 194J है, 194J के अंदर तुमको सैलरी मिल रही है, 20 लाख रुपए तुम्हारा पैकेज है, तो 20 लाख पे तुमको टैक्स नहीं देना। तो 194J के अंदर क्या होता है कि 50% इज योर फ्री, 50% इज टैक्स फ्री, मतलब अगर तुम्हारा सैलरी पैकेज 20 लाख रुपए है तो टैक्स तुमको मात्र 10 लाख का देना है, अदर हाफ ऑफ योर इनकम इज टैक्स फ्री अंडर 194J। तो हर सेक्शंस के अंडर अंदर अलग अलग क्लॉजेस होते हैं कि भाई इतना इसका फ्री हो जाएगा, इतना इतना इसका फ्री हो जाएगा, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, ओके, यस। तो वीडियो पसंद आई सबको, अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक जरूर करना। और मेरी बहुत सारी वीडियोस जैसे मैंने ली थी एक प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर वीडियो, है ना, एमबीए प्रोफाइल बिल्डिंग के एक ऊपर वीडियो ली हुई मैंने, एक मैंने ली है कि विथ एमबीए, बिफोर एमबीए और आफ्टर एमबीए विच कोर्सेस यू कैन डू। तो उसमें मैंने 400+ कोर्सेस का बताया है, लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको देखना जरूर। मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट डाल दूंगा, LRDA के भी मेरी काफी वीडियोस हैं, पॉइंट्स के भी काफी वीडियोस हैं, तो देखना जरूर। एंड 7 PM पे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, 7 PM पे फ्री क्लासेस में जरूर आना, ओके, एंड फटाफट से प्लस सब्सक्राइब करो क्योंकि LRDA स्कोर बूस्टर चालू हो रहा है, ठीक है। सो वन ऑफ माई कोर्सेस स्टार्टिंग एस LRDA स्कोर बूस्टर, ओके फाइन। उसमें हम लोग बूस्ट करेंगे तुम्हारा परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली 15-20% आप आराम से बूस्ट हो जाएगा, ओके। सो डू सब्सक्राइब विद द कोड एट स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई, ओके, 5th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जीमेल पे बना देना, ओके। अगर तुमको किसी भी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए कि सर ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, है ना, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज। और तुमको चाहिए कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में डालो, हम बना देंगे उस तुम्हारे लिए वीडियो, ओके, रिसर्च करेंगे बना देंगे। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू टुडे एट 10:30 PM विद वन मोर वीडियो, फाइन, 10:30 PM विद वन मोर वीडियो, MSCT, हाउ टू फिल द फॉर्म्स ऑफ MSCT एंड एवरीथिंग अबाउट MSCT। Today at 10:30 and tomorrow at 10:30, 10 again. Fine. Little and thank you. Bye bye. And take care.